पूरा मामला अब सिमट गया है राज्यसभा के सभापति के अपमान पर, और ये घमासान निलंबन से शुरू हुआ। तो क्या माना जाए, निलंबन पर घमासान, 24 तक रहेगा कोहराम। आप अपनी बात पूरी कीजिए रामकृपाल जी, फिर अभी जाने के पास। निश्चित तौर पर रहेगा, और मैं एक एक, एक शेर की लाइन कह दूं जी, हम ही बदनाम हो गए मिर्जा जी, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। बात इसकी है कि किस मौके पर किस चीज का कौन फायदा उठा सकता है, ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो फिलहाल सियासत में ज्यादा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है अभिजान जी। बिल्कुल क्लियर है, मैं जब सब लोगों को सुन रहा था और हमारा आपको भी सुन रहा था गौर से, तो इस वक्त की स्थिति में, अब वो एक घंटे बाद अगर तब्दील हो जाती है तो मुझे मालूम नहीं, इस वक्त की स्थिति में राजनीतिक लाभ जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं धनखड़ जी के मसले पर। तो इस वक्त ये है, अब ये 4-5 घंटे बाद ये किसी और डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि ये सब एक तरह से ऑप्टिक्स है, इसमें तथ्य कम है, ऑप्टिक्स ज्यादा है। सर, मुझे लगता है दर्शकों को समझाना चाहिए कि वो राजनीतिक लाभ वाली जो बात आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष भुनाता हुआ इस पूरे मामले को नजर आ रहा है, और इसके पीछे वजह जिस तरीके का बयान आता है, और सभापति चेयर पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की, संवैधानिक पद की गरिमा की बात नहीं, बल्कि खुद को एक किसान बताते हुए, खुद को एक जाट समाज से आने वाला शख्स बताते हुए इस पूरे मामले को जोड़ देते हैं। हाँ, तो वही देखिए क्या होता है कि मतलब एक चीज तो अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं कहने से कभी किसी बात को घबराया नहीं, ये बीजेपी की कुशलता है कि एक मसले को उसने बहुत ही कम समय में और बहुत तेज और रफ्तारी के साथ, रामकृपाल जी अग्री करेंगे, अपने पक्ष में उसको भुना लिया। हाँ, उसको बदलने की कोशिश की, बुनाया कितना नहीं मालूम मुझे, और साथ में उसमें अस्मिता, जाट, इस तरह के मुद्दों को जोड़ दिया। तो एक किसी का जो भी उपहास किया वो मेरे हिसाब से तो नहीं सही है जी। लेकिन उसको बीजेपी ने टाइमली कन्वर्ट कर दिया जी। और विपक्ष जो एक बात अपने तरीके से कहना चाहता था, मतलब मजाक करके कहना चाहता था, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कि आइए एक ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस कीजिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं हमारी पहचान को, बिल्कुल इस वजह से ही अब साफ तौर पर जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि साहब वो जो सुरक्षा का मुद्दा था, वो जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन का मुद्दा था, उस सब पर इस वक्त अगर कोई मुद्दा हावी है, और सुरक्षा का मुद्दा, निलंबन का मुद्दा सब पीछे छूट गए, अब जो मुद्दा हावी है वो मिमिक्री का मुद्दा है। और इसी वजह से यहाँ जो पत्रकारों का पैनल मौजूद है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब एक मौका ऐसा आया जब लगा कि बीजेपी घिर सकती है, लेकिन कैसे हवा का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है, और एडवांटेज बीजेपी इस वक्त इस पोजिशन पर नजर आ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।